हेलो दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे महत्वपूर्ण संगठनों के नाम बारे में। तो आज की इस क्लास में हम बात करेंगे जीएस टैट के बारे में। इसका पूरा नाम क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अफिलिएट ट्रिब्यूनल। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय अधिकरण। केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 के तहत केंद्र सरकार को राष्ट्रीय स्तर पर जीएसटैट एवं राज्य स्तर पर इसकी पीठ बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। इसे बनाने की शक्ति किसके पास है? आपकी केंद्र सरकार के पास। किस अधिनियम के तहत? केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 के तहत। केंद्र सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय अधिकरण की राष्ट्रीय पीठ बनाई है। जीएसटैट, जीएसटी, एटी, यानी कि ये आपका गुड्स एंड सर्विस टैक्स अफिलिएट ट्रिब्यूनल है, जीएसटैट। जीएसटी कानूनों में दूसरी अपील का एक मंच है आपका। यह केंद्र व राज्यों के बीच विवाद समाधान का प्रथम सामूहिक मंच है, जीएसटैट। जीएसटैट की राष्ट्रीय पीठ नई दिल्ली में स्थित है, याद रख। जीएसटैट की राष्ट्रीय पीठ की हम लोग संरचना की बात करें, जो वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय अधिकरण बनाया गया है, अगर इसकी हम लोग संरचना की बात करें तो इसमें आपका एक अध्यक्ष होगा, दो तकनीकी सदस्य होंगे। अध्यक्ष एक न्यायिक सदस्य होगा, जो अध्यक्ष होगा इसमें एक न्यायिक सदस्य होगा इसमें। केंद्र सरकार भारत के मुख्य न्यायाधीश या फिर उसके द्वारा मनोनीत व्यक्ति के परामर्श से अध्यक्ष की नियुक्ति करेगी, याद रखना। इसमें आपके दो तकनीकी सदस्यों में से एक सदस्य केंद्र सरकार द्वारा, दूसरा सदस्य राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करेगा। इसमें जो तकनीकी दो सदस्य होंगे, एक सदस्य आपका केंद्र सरकार का नेतृत्व करेगा, दूसरा सदस्य आपका राज्यों का प्रतिनिधित्व करेगा। राष्ट्रीय पीठ के न्यायिक सदस्य की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश या फिर उनके द्वारा मनोनीत सदस्य के सलाह पर की जाएगी। केंद्र सरकार चयन समिति के सिफारिशों के आधार पर तकनीकी सदस्यों की नियुक्ति करेगी। ये थी आपकी जीएसटैट की संरचना। अगर हम लोग जीएसटैट के कार्य व कानून प्रावधानों की बात करें तो यह केंद्र व राज्य जीएसटी अधिनियम के अंतर्गत अपीलीय प्राधिकरण द्वारा जारी आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करता है। केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम में जीएसटी प्रशासन के अंतर्गत विवाद समाधान हेतु अपीलीय और समीक्षा तंत्र की व्यवस्था करता है। सीजीएसटी सेंट्रल जीएसटी के अध्याय 17 में की धारा 109 में केंद्र सरकार को जीएसटी काउंसिल की सिफारिश के आधार पर अपीलीय प्राधिकरण के गठन की शक्ति है। यह अपीलीय प्राधिकारियों द्वारा जारी आदेश के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करेगा, जीएसटैट। जीएसटैट का महत्व, इसके महत्व को देखें हम लोग, क्या इसका महत्व है? तो जीएसटैट का महत्व है जीएसटी के अंतर्गत उत्पन्न हो रहे विवादों के समाधान में एक रूपता आएगी। पूरे देश में जीएसटी को समान रूप से कार्यान्वित किया जा सकेगा। आपको यहाँ एक क्वेश्चन का आंसर देना है नीचे, हमारे देश में जीएसटी लागू कब हुआ?
बहुत ही सरल क्वेश्चन है, आपको जवाब देना है, ठीक है। तो ये था आपका जीएसटेट।